आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार शाहीनबाग प्रोटेस्ट को, जामिया प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है। अभी रात का 3 बज रहा है। मैं लगातार रिपोर्टिंग ये कर रहा हूँ कि पूरा हिंदुस्तान शाहीनबाग प्रोटेस्ट पर खड़ा है, मगर लगातार नेशनल मीडिया देश से झूठ बोल रहा है, सरदारों की तस्वीरें नहीं दे रहा है। मैं 3 बजे जो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ उस पर मैंने देखा कि 200 से ज़्यादा सरदार भाई यहाँ पर मौजूद है, मगर नेशनल मीडिया देश से सही तस्वीर नहीं दिखा रहा है। मैं सरदार भाई से अभी लगातार बातचीत करूँगा। आप, मेरा पहला सवाल है, ईमानदारी से मैं चाहता हूँ, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं रोजाना? आप 3 दिन से यहाँ पर हैं। हम शाहीनबाग में पिछले 3 दिनों से, आज चौथा दिन शुरू हो गया है, अपने घर से पैसे लेकर आए हैं, उसी से खर्चा चल रहा है। मैं चाहता था, जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि वहाँ बिरयानी मिलती है, पैसे मिलते हैं, मुझे तो मिले नहीं। मोदी जी ने, आपने कहा था, अब मेरा हिसाब जरूर करो, अगर इनके पास तो पैसे हैं नहीं शाहीनबाग वालों के पास, तुम अपने पास से दे दो, ताजो तुम आगे से कभी झूठ ना बोल सको। जो मोदी जी ने झूठ बुलाया जी, वो शाहीनबाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ कि यहाँ हिंदुस्तान दिख रहा है, मुझे लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या कोई नेशनल मीडिया इन 3-4 दिनों में आपसे बातचीत किया? क्या सरदारों की तस्वीरों नेशनल मीडिया ने देश के सामने दिखाई? कोई भी भारत का चैनल, नेशनल चैनल यहाँ नहीं आया, उनको आना चाहिए था। मुझे लगता है कि सभी चैनल जो हैं वो सरकार के अपने चैनल हैं, पूंजीपति लोगों के चैनल है, अंबानी अडानी के, इसीलिए शाहीनबाग को नेशनल मीडिया ने किसी ने नहीं दिखाया, उनको दिखाना चाहिए। नहीं, मैंने दिखाया कि ब्लैकआउट कर रहा है, मैंने लगातार सरदारों की तस्वीरों को ब्लैकआउट कर रहा है, नेशनल मीडिया मैंने जरूर देखा, क्योंकि जामिया में भी मैं लगातार नेशनल मीडिया खड़ा है मगर बातचीत नहीं कर रहा है, लगातार नेशनल मीडिया हिंदू और मुस्लिम के तौर पर तस्वीरों को दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कि 4 दिनों में आपने यहाँ क्या देखा इस प्रोटेस्ट के अंदर, आप लगातार यहाँ पर है, वो तस्वीर हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपने क्या पाया है, किस तरह से पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, वो तस्वीरों को जरा बयान कीजिए। हमने यहाँ आकर एक चीज़ देखी है जी, पहला तो लोगों में यहाँ अनुशासन बहुत है, दूसरा यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात हो रही है। देश में जो हालात भारत सरकार ने गलत किए हैं उसको दुरुस्त करने की यहाँ बात हो रही है, यहाँ पर किसी तरह का कोई गलत मैसेज नहीं है। हालांकि यहाँ पर हथियारों से हमला हो रहा है, उनकी तरफ से यहाँ से विचार दिए जा रहे हैं, यहाँ पर कोई पैसा नहीं है, सब लोग अपने अपने जेब से खर्चा करके इस आंदोलन को कामयाब कर रहे हैं। ये आंदोलन उन लोगों के सिर पर चल रहा है जिनको आज़ादी, भारत को बचाने का, संविधान को बचाने का, जो लोग दिल में प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, वही लोग यहाँ से प्यार का संदेश दे रहे हैं, और जो लोग मुर्दा हैं इस देश के अंदर उनको ये लोग शाहीनबाग वाले जगा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ गद्दार लोग यहाँ बैठे हैं, देश से गद्दारी कर रहे हैं, ये गद्दार लोग यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो ऐसा जी, जो भारतीय संविधान के साथ चलेगा वो गद्दार नहीं हो सकता, जो भारतीय संविधान को डैमेज करेगा गद्दार वो होता है, जो भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, असल गद्दार वो हैं जिन्होंने NRC और CAA लिया है, ये एक्ट बनाए हैं, ये एक्ट गद्दार लोगों का काम है, ईमानदार लोगों का, डेमोक्रेसी मानने वाले का, भारतीय संविधान बनाने वाले लोग और भारतीय संविधान को मानने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है, ये मंच उनका है, ये गद्दारों का नहीं है, ये ईमानदारों का और देशभक्तों का मंच है। मुझे आप ये समझाइए, सरकार कह रही है कि ये जो कानून हमने बनाया है लोगों को नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है, फिर भी आप क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं ऐसा जी, नागरिकता आप दो किसी को, सरकार का काम नागरिकता देना होता है, दूसरे देश भी दूसरे देश से आए हुए लोगों को शरण देते हैं, ये शरण का मामला है, मगर शरण देते समय उसका धर्म और जाति नहीं देखी जा सकती। इन्होंने उसको CAA जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसमें इन्होंने ऐसा क्लॉज डाला है जिसमें ये है कि हिंदुओं को, सिखों को, बोधियों को हम नागरिकता देंगे। आप ये कहो भी कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर हमारे
हमारे देश में आएगा हम उसको नागरिकता देंगे, हमारा फिर कोई विरोध नहीं है। अच्छा, ये कहने का मतलब है धर्म के हिसाब से ना किया जाए, आपका इस पर इस पॉइंट पर ऑब्जेक्शन है, आप प्रधानमंत्री से अपील कीजिए कि प्रधानमंत्री इस पर चेंजेस लाइए। नहीं, प्रधानमंत्री अपील को तो कम मानते हैं, क्योंकि आरएसएस का ये बच्चा है प्रधानमंत्री, आरएसएस में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ से जो नागपुर से आदेश आता है उसको मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अपील का असर कम होता है। जो ये प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहे हैं, ये एनआरसी और सीए को वापस कराएंगे, मुझे ऐसे लग रहा है कि देश में ऐसा प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ। देखो, लगातार मैं भी कह रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं देश का नेशनल मीडिया है वो देश से लगातार झूठ बोल रहा है, सही तस्वीरें नहीं दिखा रहा है। जो मैं फील कर रहा हूँ लगातार, क्योंकि मैं जामिया पर भी था और जगह पर भी था, मैं देख रहा हूँ कि बड़ा सेलेक्टिव करता है वो। जब सरदार आता है उससे बातचीत नहीं आता है, जिनको सीए के बारे में जानकारी नहीं है उनसे ज़्यादा सवाल पूछता है। तो मैं इस तरह की तस्वीर, जो उनका काम करने का तरीका, मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैंने भी पत्रकारिता की पढ़ाई चीज़ें की हैं, वो कहीं ना कहीं उसको उलझा के रखना चाहता है देश के सामने। अगर देश के सामने सही तस्वीरें आएँ, पूरा हिंदुस्तान अगर सीए का विरोध कर रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री गृहमंत्री को पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या। अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग सही नहीं होगी, पत्रकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, आप आज के दिन में पत्रकारों को कैसे देख रहे हैं, नेशनल टीवी को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है, जब कोई चैनल हम देखते हैं तो छोटे जो बच्चे हैं 10-12-14 साल के, वो कहते हैं इस चैनल को बंद कर दो, इसमें एक ही पार्टी की और मोदी की खबर आती है। जब देश के बच्चे इस बात को समझ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सारा मीडिया जो है, नेशनल मीडिया, भले वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सारा कैप्चर हो चुका है, बंदी बन गया है, गुलाम बन गया है, उसकी ज़मीर मर गई है। उनके जो पत्रकार हैं 2014 से, जो उनके पत्रकार हैं वो सारे प्रोजेक्ट किए जाते हैं। 2014 से भी पहले आरएसएस ने अपने पत्रकार बनाए जी सारे, वो पत्रकार आरएसएस की बोली बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जनाब, जब चैनल पर डिबेट होती है, एक आध मुस्लिम भाईचारे का आदमी ले लेते हैं, वो भी शायद उनका ही होता होगा, मुझे ऐसे लगता है। तो उसमें हमारा जो डिबेट में सीए के ऊपर जानकारी देने वाला, उधर पक्ष, हमारे पक्ष वाला जो बैठाया होता है, उसको जानकारी पूरी नहीं होती, और चार दूसरे, छह लोग दूसरे बैठा लेते हैं, कहते हैं ये कि हम आरएसएस के विचारक हैं जी, ये शब्द दे दिया, हम इस पार्टी से। तो सीए की क्लियर बात नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा, नेशनल मीडिया धोखा कर रहा है। नेशनल मीडिया को ये बात समझ लेनी चाहिए कि मैंने बहुत से चैनलों में देखा, वो कहते हैं, बहुत चैनलों ने कहा कि यहाँ बिरयानी मिलती है, पॉपुलर फ्रंट को पैसा बहुत आ रहा है, यहाँ पर यहाँ से डॉलर आ गए, दिनार आ गए। उनको ये बात अपना चैनल बचाने के लिए, आरएसएस को, बीजेपी को अपनी छवि बचाने के लिए ये गूढ़ प्रचार किया जा रहा है, ये झूठा प्रचार लंबा समय चलेगा। मैं धन्यवाद करूंगा सोशल चैनलों का, जैसे आपका प्लाज्मा है, इन्होंने अवेयरनेस पैदा की है, आपकी अवेयरनेस के माध्यम से देश में बात गई है जी। अगर आप ना यत्न करते पत्रकार साहब, तो जो हमारा यूरोपियन संघ ने रेजोल्यूशन पास किया है, तो कभी नहीं हो सकता था। इन बहनों की, इन भाइयों की लड़ाई, इनका संघर्ष, इनका त्याग और आपकी हिम्मत जो आपने मीडिया में दिखाया है, सोशल मीडिया में, ये यूरोप के लोग, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है एनआरसी सीए के अगेंस्ट, ये आपकी देन है। हम नेशनल मीडिया को अपील कर सकते हैं, दलील दे सकते हैं कि आप अपना नज़रिया गुलामी वाला बदल लो, ये देश सबका है, मुसलमानों को गदार मत कहो, और मुसलमानों को कम से कम प्यार वाली नज़र से देखो, कहीं ऐसा ना हो इस देश के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं, भले वो मूल निवासी हैं, दलित हैं, अम्बेडकरवादी हैं, सिख हैं, बोधी हैं, कहीं उन लोगों के मन में भारत की हुकूमत के खिलाफ पूरा देश, भले वो ट्रेनें हों, सड़कें हों, जहाज हों, बंद करने का प्रोग्राम ना बन जाए। कभी भी गुलामी सहन करने के लिए पंजाब हमारा, मैं पंजाब को जी, कभी तैयार नहीं हुआ। पंजाब के हजारों नौजवानों ने अपना बलिदान शहादत दिया, मगर गुलामी केंद्र की कभी नहीं सही, ना सही है ना सहेंगे। मेरा पंजाब ऐसा प्रांत है जिसने एनआरसी और सीए के अंगेंस्ट
भारत के अंदर पहला रेजुलेशन हमारी विधानसभा में पास हुआ और यहाँ भी कैसा प्लान बिल्कुल बहुत अच्छा। आप लगातार चार दिनों से हैं, लगातार अलग अलग खबरें आ रही हैं महिलाओं के बारे में, आप यहाँ से क्या देख रहे हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट चार दिन में, क्योंकि वीवर्स क्योंकि आप चार दिन 24 घंटे हैं लगातार मैं देख रहा हूँ, आप क्या देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि महिलाएं शिफ्ट बनाकर आ रही हैं, महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, अलग अलग शिफ्ट में पैसा दिया, तो रियलिस्टिक रिपोर्ट आपको क्या लगता है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं आधा घंटा तक आप लगातार बोल रहे थे, दर्द बहुत था बोलने में, मुझे लग रहा था कि आप दर्द के साथ स्पीच दे रहे थे। आप एक हिंदुस्तानी हैं, देश के लिए अच्छा सोचते हैं, इसीलिए यहाँ पर आप खड़े हैं और पंजाब से आप यहाँ हैं, लगातार पंजाब के लोगों को मैं देख रहा हूँ, तो जो दृश्य है यहाँ, क्योंकि मैंने 50 दिनों में महिलाओं को रोते हुए देखा है, 10 दिन के बच्चों को देखा है, 100 साल की माओं को देखा है और लगातार लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान को देखा, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई क्या बुद्धिस्ट, सबसे मैंने बातचीत की है, मगर मैं देख रहा हूँ कि नेशनल मीडिया को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी देश के सामने वो पूरी जिम्मेदारी नहीं दिखा रहा, तो आप महिलाओं को कैसे देख रहे हैं, प्रोटेस्ट पूरा कैसे चल रहा है, किस तरह से चल रहा है 24 आवर, वो जरूरत है। देखो ऐसा जी, हमारा सोचना बिल्कुल ठीक है, हम जो बयान कर रहे हैं वो बड़े सोच समझ के कर रहे हैं। आरएसएस का भारत की जो केंद्र की हुकूमत है दोनों का एक सपना है कि भारत के अंदर मुसलमानों को आर्थिक लेवल पे कमज़ोर किया जाए, उनको प्रैक्टिकल जीवन के अंदर कमज़ोर किया जाए, उनका हौसला तोड़ा जाए, कहाँ जो मुसलमान टूट जाए घबरा जाए बिखर जाए, तो दूसरा नंबर जो है वो दलितों का आएगा। उनको ये लगता है कि दलित को सेवादार बनाने के लिए मनुस्मृति के हिसाब से दलित शूद्र जो लोग हैं अशूत लोग हैं वो पाँव हैं, ये ब्राह्मण है ये क्षत्रिय है ये वैश्य है, पैरों में शूद्र है। उनको लगता है कि शूद्रों को गुलाम बनाने में जो बाधा है वो मुस्लिम भाईचारा है, अगर मुसलमान को पहले तोड़ा जाए तो अशूत लोग शूद्र जातियाँ शरूर का जल्दी ब्राह्मणवाद के गुलाम हो सकते हैं। मनुस्मृति के मुताबिक अशूत जातियाँ मंच नहीं लगा सकती बोल नहीं सकती। मुसलमान राजा हुए हैं जी सिकंदर लोधी साहब, उन्होंने मनुस्मृति को तोड़ा, तुगलकाबाद दिल्ली में 550 साल पहले गुरु रविदास जी को 700 कनाल एक मुस्लिम राजा ने दी, जो नरेंद्र मोदी ने 550 साल के बाद शेड्यूल कास्ट लोगों से उनका गुरु दरबार गुरु रविदास जी का वो वापस ले लिया, वो जगह वापस ले ली। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुस्लिम शक्ति को तोड़ने के लिए जितना झूठ का प्रचार नेशनल मीडिया ने किया, और बड़ी समझने वाली बात है कि देश का होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बीजेपी के स्पोक्समैन टेलीविजन के ऊपर कह रहे हैं कि शाहीन बाग भाई पैसा आ रहा डॉलर आ रहे हैं बिरयानी चल रही है, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनके अंदर घबराहट है, उनको असल पोजीशन जो ग्राउंड रियलिटी है उनको मालूम नहीं है, अंदर से उनको मालूम है कि वहाँ पर क्या है, मगर वो कह रहे हैं कहीं हमारे लोग ना टूट जाएं, उनको साथ रखने के लिए ऐसा झूठ बोला जा रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी 3-3.5 बज गए होंगे जी, ठीक है जी, आज थोड़ा टेम्परेचर ठीक है, पिछले 5-7 दिन पहले तो बहुत सर्दी थी, 20 दिन पहले बहुत सर्दी थी। मोदी जी को पूछूंगा अभी जब हम यहाँ बिरयानी खा रहे थे, पहले आप अपना हिसाब बताओ आप क्या खा रहे थे, आप हमारे से मांग रहे हिसाब आरएसएस वाले भी यहाँ बिरयानी चलती है, पर तुम क्या उस दिन खाई ये बताओ, पहले आप भी बताओ ना, आपने 10,000 लोगों को नौकरी पे रखा हुआ आरएसएस ने ऐसे चैनल सोशल मीडिया चलाने के लिए, डुप्लीकेट फेसबुक हमारा डाटा चेक करते हैं, अभी इनको मेल कहाँ से आए इनको पैसे कहाँ से आए, तो तुम्हारे को पैसे कहाँ से आ रहे हैं जी संगठन चलाने के लिए, पहले आप अपना हिसाब दो, आरएसएस पहले अपना हिसाब दे कि इनका बजरंग दल कैसे चल रहा है, इनकी दुर्गा वाहिनी कैसे चल रही है, इनकी बनवासी कल्याण परिषद कैसे चल रही है, इनके 150 मंच जो हैं वो कैसे चल रहे हैं, इनके लिए अपना हिसाब बताएं, यहाँ का हिसाब ले लें, आप देख लो इन भाइयों के पास क्या है, नौजवान लड़के हैं बेरोजगार हैं, कोई कारोबार नहीं है, कारोबार तबाह हो गए हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, देश की इकोनॉमी वीक हो रही है, पैसा टूट रहा है, किसान मर रहा है, मोदी जी को चिंता ही नहीं है, उनको एक ही चीज़ आ रही है, हम मौका है अब किसी तरह मुसलमानों को तोड़ दो,
आधे को गुलाम बना लो। देखो दो बंदर अगर इकट्ठे हो जाएं वो पेड़ को तोड़ देते हैं। बंदर तो एक ही बहुत है जी, पेड़ के ऊपर जो बंदर बैठता है वो टहनी को हिलाता रहता है, उसको अकल नहीं होती। ये टहनी तो तेरा घर है, अगर इसके पत्ते टूट जाएंगे तेरे को गर्मी लगेगी, अगर इसके पत्ते टूट जाएंगे तो तेरे को सर्दी भी लगेगी। अगर पेड़ पे पत्ते रहेंगे तो बंदर इजी बैठ सकता है। तो अब तो हमारे समाज में दो बंदर हैं, शाहनवाज हुसैन और नकवी साहब, हमेशा वो केंद्र की बोली बोलते हैं, हमेशा आरएसएस की बोली बोलते हैं। तो ऐसे गुलामों का मेरे ख्याल से वो भी कह रहा है, उन्होंने भी कहा यहाँ बिरयानी मिलती है जी, पैसा कहाँ से आ रहा है जी, बाहर से पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा आ रहा है। मैं समझा यहाँ हमें कुछ नज़र नहीं है ऐसा। बिल्कुल लगातार अलग अलग तस्वीरें भी, मैं 3 बजे रिपोर्टिंग करने का कोशिश है, 200 से ज़्यादा सरदार यहाँ पर मौजूद हैं, मगर नेशनल मीडिया ये नहीं दिखा रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है। लगातार जो हरकतें नेशनल मीडिया की मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर दिख रहा हूँ, वो वैसे लोगों से बातचीत कर रहा है जिनको CAA की जानकारी नहीं है और देश को लगातार गुमराह कर रहा है। वो सरदारों से नहीं बात कर रहा है, वो पढ़े लिखों से नहीं बात कर रहा है, वो एडवोकेट से नहीं बात कर रहा है, वो बड़ा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। व्यूअर्स, लगातार मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा हिंदुस्तान सड़क पर है लगातार। सीधी आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखो ऐसा जी, एक दिन जो आदित्यनाथ जोगी का बयान आया टेलीविजन के ऊपर कि जो लोग ये दंगा कर रहे हैं इनको CAA के बारे में ज्ञान नहीं है, हम ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि NRC और CAA के अगेंस्ट यहाँ पर शाहीन बाग में धरना है, इसने पूरे देश को एनर्जी दी है। बिरयानी की बात है, बिरयानी तो मोदी जी पाकिस्तान खाने गए हैं, बदनाम हमें कर रहे हैं। अगर आदित्यनाथ जोगी ने CAA और NRC के ऊपर विचार करना, संवाद करना, तो मैं रेशम सिंह पंजाब से आया हूँ, मेरा खुला चैलेंज है, जोगी UP का मुख्यमंत्री कहीं पर मेरे साथ CAA के ऊपर बहस कर ले, मैं उसको जवाब दे दूंगा। मेरे पास जवाब है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपरिया, कौन भले को मंदे। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, जहाँ पर जोगी का राज है बनारस में, सतगुरु कबीर साहब का वहाँ जन्म हुआ, उन्होंने वहाँ चैलेंज किया हुकूमत को उस वक्त की को कि आदमी छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। सब बराबर का मतलब नागरिक है, नागरिक है तो बराबर है। तो CAA के ऊपर हम आदित्यनाथ जोगी के साथ खुली बहस करने को तैयार हैं। वेन्यू वो बता दें, जगह वो बताएं, टाइम वो बताएं, अच्छे कपड़े वो पहन के आएँ, हम गंदे कपड़े पहन के जाएंगे, विचार करने के लिए हम तैयार हैं। CAA और NRC के ऊपर हमारी तैयारी पूरी है। बिल्कुल सरदार भाई ये कह रहे हैं कि हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, जो भी सवाल उनके पास है उन सब हर सवाल के जवाब देंगे। लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट करके सच्चाई दिखा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।